नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिलोसॉफिकल वर्ल्ड के इस एपिसोड में, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राज राठौर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके सामने लेकर आऊँगा मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंस, मैं दुनिया भर में जहाँ भी घूमा हूँ मैं उसके बारे में आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊँगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान के बारे में, और उसका नाम है भानगढ़। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भानगढ़ बहुत ज़्यादा फेमस है, और भानगढ़ के बारे में कहा जाता है कि ये इंडिया का मोस्ट वांटेड किला है, और ना सिर्फ इंडिया का बल्कि दुनिया भर में इसको हॉन्टेड फोर्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आखिर क्यों इसको हॉन्टेड फोर्ट कहा जाता है, और क्या वाकई ये हॉन्टेड है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊँगा, और मैं आपको बताऊँगा कि मुझे वहाँ क्या एक्सपीरियंसेस हुए, और मुझे वो भानगढ़ कैसा लगा, क्या मुझे हॉन्टेड जैसा कुछ फील हुआ है कि नहीं हुआ, ये सारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भानगढ़ की कोई स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। मुझे पता है कि आप सारे लोग स्टोरी जानते हैं भानगढ़ की। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको भानगढ़ के बारे में मेरे जो एक्सपीरियंस है, मेरे जो अनुभव है भानगढ़ से, जो मैंने भानगढ़ में देखा, वो आपको मैं बताऊँगा। दोस्तों, हम लोग जो है भानगढ़ आज से लगभग साल भर पहले गए थे, और जब मैं भानगढ़ गया था तो उस टाइम मैंने एक वीडियो ब्लॉग भी अपलोड किया है, हमारे चैनल पे ही है। उस वीडियो ब्लॉग की लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, भानगढ़ में लगभग आज से साल भर पहले विज़िट किया था मैंने, और मेरे साथ कुल 5-6 फ्रेंड थे, और उनके साथ मैंने भानगढ़ विज़िट किया था। मेरे जो फ्रेंड थे वो राजस्थान के जयपुर से हैं, और जैसा कि आप जानते हैं जयपुर से भानगढ़ का जो किला है वो काफ़ी पास ही पड़ता है, वो लोग काफ़ी बार जा चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो सारे लोग फैमिलियर थे भानगढ़ से। तो मेरे दोस्तों में मैं एक ऐसा था जो भानगढ़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, बहुत ज़्यादा उत्सुक था, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उस जगह के, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वहाँ पर घूमने के लिए। तो इस तरह से हम लोग बाइक से गए वहाँ से, क्योंकि जयपुर से भानगढ़ बहुत ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, कुछ ही किलोमीटर पे है। तो हम लोग वहाँ बाइक से गए, और उस टाइम मौसम जो था वो बहुत सुहाना था, हल्की सर्दी थी, और छोटी छोटी बारिश की बूंदें भी हमें भिगो रही थी। काफ़ी शानदार मौसम था, आराम से बाइक से भानगढ़ पहुँच गए। जब हम भानगढ़ पहुँचे तो किले के बाहर जो है एक पार्किंग का स्लॉट बना है, जहाँ आप गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं, और किला घूमने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई टिकट विकेट देने की ज़रूरत नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम लोग जो है वहाँ गाड़ी पार्क करके भानगढ़ में प्रवेश किया हमने। हमने जैसे ही किले में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि किला बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बाहर का जो दरवाज़ा है काफ़ी बड़ा था, और हमने जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो एक इस साइड में एक हनुमान जी महाराज का मंदिर बना हुआ है। जैसे आगे बढ़े हमने देखा कि भानगढ़ जो है वो काफ़ी आगे पड़ता है, और इससे पहले जो है वो आते हैं जहाँ पर भानगढ़ के लोग रहा करते थे शायद, या फिर जो है भानगढ़ किले के शाही नौकर चाकर थे वो शायद वहाँ रहा करते थे। और भानगढ़ ये जो गलियारा है इससे हम जा रहे हैं उसमें, उससे भानगढ़ लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है, शायद 1 किलोमीटर की दूरी पर था, और बीच में ये जो है गलियारा पार करके जाना पड़ता था। दोस्तों, आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो है ये जितने भी मकान दिख रहे थे बहुत ही शानदार थे, बहुत ही अद्भुत थे, और इनकी खासियत ये थी कि ये जो मकान थे सारे के सारे, जिसमें एक भी मकान के ऊपर कोई छत नहीं थी, सारे मकानों की छत ढही हुई थी। ये एक बड़ी अजीब बात थी, सारे मकान ढे हुए थे, और इनका नीचे का जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी अच्छी हालत में आज भी मौजूद है, लेकिन इन सारे मकानों की जो छत है वो एक की भी नहीं है। खैर, हम ऐसे आगे बढ़ते गए, ज्यों ज्यों आगे बढ़ते गए मकान वगैरह आते गए, और वहाँ बहुत सारे बंदर भी हमें देखने को मिले। और ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ते गए, जैसे ही भानगढ़ आने वाला होता है, इससे थोड़ी भानगढ़ का जो फोर्ट है वो आने वाला होता है, इससे थोड़ा ही पहले एक जगह आती है जिसको बोलते हैं कि वो मार्केट है, उस ज़माने में मार्केट था। ये जो पिक्चर तस्वीरें आप देख रहे हैं उस मार्केट की है, ये मैंने खुद फिल्माई है। ये वो कहा जाता है कि ये मार्केट था उस ज़माने में, और इसे देखकर बड़ी ही अद्भुत फीलिंग होती है, हमें ऐसा महसूस होता है कि यार ये उस ज़माने में कितना भव्य रहा होगा। आज जो है ये बिल्डिंगें ध्वस्त हो चुकी हैं,
लेकिन इनके रूनस, इनके खंडर देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये उस ज़माने में कितनी शानदार और भव्य रही होगी। खैर, इससे हम आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं तो एक बड़ा सा प्रवेश द्वार आता है, और उस प्रवेश द्वार को जब आप पार करते हैं तो किला शुरू हो जाता है, फोर्ट जो है, शाही स्थान जो है वो शुरू हो जाता है। जब हम फोर्ट की ओर जाते हैं तो बीच में एक मंदिर पड़ता है। वो मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई प्रतिमा नहीं थी, मैंने किसी भी प्रकार की कोई प्रतिमा नहीं देखी। घास वगैरह काट के किले को अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ था बाहर से। फिर हम जाते हैं तो किला थोड़ी चढ़ाई पे पड़ता था, पानगढ़ का फोर्ट जो है वो थोड़ी चढ़ाई पे था, थोड़ा ऊपर चढ़ाई पार करके हमें जो है फोर्ट की अंदर जाना होता था। हम जो 5-6 लोग थे वो सारे के सारे यंग थे, हम सब की उम्र लगभग 24-25 के आसपास ही थी, और मेरे फ्रेंड्स जो थे वो सभी यंग थे इंक्लूडिंग मी। तो मैंने एक अजीब चीज़ जो नोटिस की थी वो ये थी कि हम ज्यों ही ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे थे तो मौसम भी एकदम सुहाना था, बिल्कुल धूप नहीं थी, हवाएं चल रही थी, लेकिन फिर भी हम लोग सांस फूल रहे थे। ये एक अजीब चीज़ थी जो मुझे थोड़ी स्ट्रेंज लगी, क्योंकि इतनी कोई चढ़ाई नहीं थी कि हम सांस फूल सके, या फिर हम कहीं से दौड़ कर नहीं आए हैं तो सांस फूल सके, ऐसा कुछ था नहीं। ये जो था एक अजीब चीज़ थी जो मैंने मेरे साथी दोस्तों को भी बताई, वो भी हंस रहे थे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी सी चढ़ाई में हम सांस फूल रहे हैं। खैर, जो भी हो, इससे आगे हम बढ़े तो भानगढ़ का जो फोर्ट है वो मेन फोर्ट जो है वो आना शुरू हो जाता है। एक दो दरवाज़ा पार करने के बाद मेन फोर्ट आना शुरू हो जाता है, और कहा जाता है कि ये जो बिल्डिंग है थी, ये कहा जाता है कि ये जो बिल्डिंग थी वो 3 मंजिला थी फोर्ट की, लेकिन आज जो ये बिल्डिंग नीचे की जो बिल्डिंग है वो काफ़ी सेफ है, लेकिन इसके ऊपर वाली बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, और तीसरी बिल्डिंग जो उसके ऊपर थी वो तो बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी है, आज उसका कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन नीचे वाली बिल्डिंग और इसके ऊपर वाली बिल्डिंग के कुछ पार्ट्स आज भी अच्छी हालत में मौजूद हैं। हमने जैसे ही किले के अंदर प्रवेश किया तो सीढ़ियों से थोड़ा चढ़कर इधर एक गैलरी आती है, वो गैलरी मैंने देखी। उस गैलरी में हम लोग गए, पुरानी किस्म की बनी हुई बहुत ही शानदार लंबी चौड़ी गैलरी थी, और गैलरी के इधर कमरे बने हुए थे और उधर भी कमरे बने हुए थे। इस गैलरी में जैसे ही हमने प्रवेश किया, खास करके मैंने जब वहाँ पे गया मैं गैलरी में, तो गैलरी में एक सुनापन, एक जिसको बोलते हैं एक नेगेटिवपन तो मुझे महसूस हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये जो कमरे वगैरह थे उनमें गुप्त अंधेरा था, मेरा जाने का मन था लेकिन मेरे दोस्तों ने रिकमेंडेड किया कि आप इसके अंदर ना जाए, क्योंकि ये जो है काफ़ी पुराने हैं और इसके अंदर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो हो सकता है किसी पत्थर से ठोकर वोकर लग सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए इसके अंदर ना जाए। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसके अंदर नहीं गया। मैंने गैलरी से देखा, काफ़ी अच्छा अंदर का जो है वो कमरे वगैरह बने हुए हैं, वो शाही किस्म के कमरे वगैरह थे। आज उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब स्थिति में है, लेकिन किसी ज़माने में बड़े ही अच्छे रहे होंगे, इसका अंदाज़ा हमें सहज ही लग जाता है उनको देखकर ही। खैर, इसके बाद हम जो है उस गैलरी में घूमे, इधर गैलरी है इस पे मैंने काफ़ी अच्छी तरह से घूमा, और उधर साइड में भी ये गैलरी है वहाँ भी मैं घूमा, सब कुछ अच्छा था, कुछ भी ऐसा नहीं लगा। हाँ, एक सुनापन, एक अजीब सुनापन जो कहते हैं वो तो ज़रूर था उस किले में, और वो हम जैसे ही फोर्ट के अंदर पैर रखते हैं हमें ये चीज़ महसूस होती है। उसके बाद हम जो है ऊपर वाली बिल्डिंग को देखने के लिए गए, सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाया जा सकता था, हम लोग सारे जो है ऊपर गए। ऊपर गए तो हमने देखा कि ऊपर वाली बिल्डिंग जो है वो लगभग ध्वस्त हो चुकी है, टूट चुकी है। अब उस बिल्डिंग के कुछ रूम्स, कुछ हिस्से बचे हैं, और बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन इन हिस्सों को, इन रूम्स को देखकर हमें ऐसा लगता है कि किसी ज़माने में ये जो एक अच्छी बिल्डिंग हुआ करती थी ऊपर, आज इस बिल्डिंग के सिर्फ पत्थर बचे हैं कुछ, और इसकी छत वगैरह कुछ भी नहीं है, दीवारें भी काफ़ी हद तक नहीं हैं, दीवारें मैंने देखी नहीं है, ये इक्की दुक्की कोई दीवार दिखी, लेकिन ये कहने का मतलब ये पूरी बिल्डिंग जो थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी थी, और हो सकता है कि जब कोई ट्रेजेडी इस किले के साथ हुई थी तो उस समय ये दीवार ध्वस्त हो चुकी होगी। खैर, हम लोगों ने काफ़ी वहाँ घूमा और देखा, तो जब हम किले को ऊपर से, यानी दूसरी मंजिल से देखते हैं,
तो नीचे का जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही शानदार किला जो है अच्छी तरीके से दिखता है। जो वो सारे घर बने हैं वो वगैरह वो सब कुछ शानदार नज़र आता है ऊपर वाली बिल्डिंग से। और ऊपर वाली बिल्डिंग से जो है हमें ये किले का जो बीच वाला भाग है जिसको कहते हैं परिसर, वो भी अच्छे से दिखता था। और परिसर में मैंने ऊपर से देखा कि एक मंदिर बना हुआ है और मंदिर जो बीच वाला परिसर जो है वो बहुत ज़्यादा ध्वस्त हो चुका है। शायद उसी परिसर में कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई थी जिसकी वजह से पूरा ध्वस्त हो चुका है। वहाँ पे मंदिर वगैरह बने हुए हैं और कमरे वगैरह बने हुए हैं वो आज भी है, पर जितनी अच्छी स्थिति में होने चाहिए वैसे नहीं है, ये चीज़ हमने नोटिस की। और हम जब दूसरी बिल्डिंग से ऊपर से देखते हैं तो जिस तरह की आप कहानियाँ सुनते हैं इस किले के बारे में कि ये तांत्रिक था और उसने ये किला ध्वस्त करवाया, उसका श्राप जो है राजा को लगा, तो एक ये बात तो सच है। मैंने भी देखी कि एक तांत्रिक की जो है मकबरा जिसको कहते हैं या फिर समाधि कहते हैं वो हमने बनी देखी, और वो इस किले के ठीक एक ऊपर की साइड में एक स्थान बना हुआ था वहाँ पर बनी हुई थी, वो नीचे से आराम से दिख रही थी। ये किला थोड़ा नीचा है और वो बहुत ऊपर हाइट में है। फिर हमने जो है उस किले की दूसरी बिल्डिंग की सीलिंग से होते हुए नीचे जाने का मैंने सोचा, क्योंकि जो मंदिर और नीचे का परिसर का जो स्ट्रक्चर था वो मैं देखना चाहता था। उस किले की दूसरी बिल्डिंग है उसकी सीलिंग से होते हुए परिसर की नीचे की ओर जाने की मैंने सोची, क्योंकि वहाँ पे जो है सीढ़ियाँ बनी हुई थी नीचे जाने के लिए और सीलिंग जो टूट चुकी थी लगभग, वहाँ से आराम से जाया जा सकता था, इतनी जगह थी। तो मैं वहाँ से नीचे उतर के जो एक बगल में सीढ़ियाँ बनी हुई थी उसके उतरने के लिए मैंने सीलिंग से होते हुए उस सीढ़ियों की ओर नीचे आया। मैंने नीचे एक रूम देखा इस तरफ, तो मैंने सोचा क्यों ना देखा जाए कि रूम में जाया जाए किस तरह का है क्या है। दोस्तों पूरे किले में मैंने अच्छे से भ्रमण किया, मुझे कहीं भी कुछ अलग नहीं हुआ, लेकिन इस रूम में जाने पर मेरी जो फीलिंग थी वो काफ़ी हद तक मेरी चेंज हो गई। और मुझे सच बताऊँ तो एक नेगेटिवपन जो है यहाँ महसूस हुआ। मैं ज्यों ही उस रूम के अंदर मैंने प्रवेश किया तो रूम में गुप्त अंधेरा था, लेकिन हैरान कर देने वाली और चौंका देने वाली बात मेरे साथ ये हुई कि मैंने देखा कि उस रूम का जो तापमान है उसकी ठंड, वो रूम जो है बहुत ज़्यादा ठंडा था। जैसे कि आप भी जानते हैं और मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो मौसम ठंडा था, लेकिन इतना ठंडा नहीं था कि जैसे एक बर्फ़ टाइप जो ठंडक होती ना वो वाली नहीं थी। हालांकि मौसम ठंडा था ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें प्रवेश करते ही बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस हुई मुझे, जो एक अपने आप में अजीब बात थी। और दूसरी अजीब बात ये थी कि जैसे ही मैंने वहाँ पे प्रवेश किया तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था, जो कि मुझे काफ़ी चौंकाने वाला लगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, लोग इंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, हूटिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने उस रूम में प्रवेश किया एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। ये काफ़ी अजीब बात थी, ये काफ़ी हैरान कर देने वाली बात थी मेरे लिए, क्योंकि मैं जहाँ भी इस रूम किले में घुमा हूँ मुझे इस तरह की एक फीलिंग नहीं हुई। मैं हार्डली उस रूम में 15 से 20 सेकंड ही रुक पाया और मुझे एक जिसको कहते हैं घबराहट टाइप होती है ना, एक एंजाइटी टाइप होती है, वो फीलिंग होने लगी और मैं तुरंत उस रूम से बाहर निकल गया। पूरा किला हमने अच्छे से घूमा, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस था काफ़ी हैरान कर देने वाला था, काफ़ी अजीब था। और दोस्तों फिर इसके बाद में मैंने मंदिर देखने का सोचा तो पास में ही मंदिर था, और वो मंदिर जो है उसमें मुझे किसी भी प्रकार की कोई प्रतिमा थी ये मुझे याद नहीं है, लेकिन उस मंदिर के अंदर कुछ लिखा हुआ था, लोग वहाँ के लोकल जो थे वो आ रहे थे, प्रसाद वगैरह चढ़ा रहे थे, ये चीज़ मैंने देखी। और इसके बाद हम जो है उस किले से बाहर आ गए, किले में देखने के लिए इतना ही था और हम बाहर आ गए। फिर जो है बाहर की तरफ जो है एक शिव मंदिर बना हुआ था जो किले के समय का ही है। यहाँ एक और हैरान कर देने वाली बात, जो एक अजीब बात, वो ये थी कि किला जो है वो लगभग ध्वस्त हो चुका था, किले का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था, लेकिन ये जो पास में एक शिव मंदिर था वो बिल्कुल सेफ था। और देखकर ऐसा लगता था कि ये मंदिर बिल्कुल डैमेज नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो रखा, ये काफ़ी हैरान कर देने वाली थी।
पूरा किला डैमेज था। किले की जो है रेजिडेंस थे, जो शायद शाही परिवार के लोग रहते थे, वो पूरी तरह से डैमेज थे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई क्षति वगैरह नहीं थी। भगवान शिव का मंदिर था, उसके अंदर एक शिवलिंग था, और फिर हम बाहर आ गए। लेकिन ये काफ़ी हैरान कर देने वाली बात जो है मुझे लगी थी। खैर, हमने वहाँ पे दर्शन किए, फिर वापस आ गए। और इधर जब हम साइड में वापस आ रहे होते हैं, तब एक और मंदिर बना हुआ है, वो भी काफ़ी सुरक्षित था। उस पर भी किसी भी प्रकार की कोई क्षति के निशान मैंने नहीं देखे, किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं देखा, वो भी एकदम सुरक्षित था। ये काफ़ी हैरान कर देने वाली बात थी। मैं ये देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंका कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। लगभग ये पूरा किला डैमेज था, लेकिन ये जो दो मंदिर थे ये एकदम सुरक्षित थे। और एक तो भगवान शिव का मंदिर था, और दूसरा जो मंदिर है उसमें मैंने किसी भी तरह की कोई प्रतिमा वगैरह कुछ नहीं देखा। वो किसी भगवान का मंदिर रहा होगा, ये मैं नहीं जानता। लेकिन ये जो दो बातें थी वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर रही थी। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने भानगढ़ पूरा भ्रमण किया। और मेरी जो भानगढ़ जाने के बाद वो समाधि को देखने की इच्छा थी, वो हम नहीं देख पाए, क्योंकि हम लगभग 12-1 बजे वहाँ पहुँचे थे, और घूमते घूमते 4-4:30 होने को थी। वहाँ के जो केयर टेकर थे, तो उन्होंने कह दिया कि आप अब जो है किला बंद होने वाला है, और आप ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते, अब आपको जाना होगा। तो हम लोग जो है वहाँ से वापस चले आए। दोस्तों, अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि भानगढ़ जो है एक वीरान किला है, इसकी वजह से हो सकता है यहाँ आपको थोड़ी बहुत नेगेटिविटी फील हो, थोड़ा बहुत अजीबपन, थोड़ा बहुत सूनापन या महसूस हो सकता है आपको। लेकिन भूत प्रेत या हॉन्टेड जैसी चीज़ें कही जाती हैं, मुझे तो इस किले में इस तरह की कोई फीलिंग नहीं हुई। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई थी, लेकिन भूत प्रेत दिखना या फिर भूत प्रेत जैसा होना मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। दोस्तों, ये किला हॉन्टेड है या नहीं है ये आप जाके खुद महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहता हूँ कि वहाँ ज़रूर जाइए, ज़रूर घूमिए। अगर आप आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आपको पुरातात्विक चीज़ें देखना पसंद है, तो वहाँ आप ज़रूर जाइए, क्योंकि किसी ज़माने में ये किला जो है बहुत ही शानदार हेरिटेज था, इसको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ की रॉयलिटी आप फील करते हैं, जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ की जो वातावरण है, जो उनका रहन सहन था, जो उनके तौर तरीके थे, उनको आप अच्छे से फील कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। ये चीज़ जो है मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी इस किले के बारे में। और आई होप अगर आप वहाँ जाएंगे तो इसको हॉन्टेड की नज़र से कम देखेंगे, बल्कि इसको जो है आर्कियोलॉजिकल मोन्यूमेंट के रूप में देखेंगे। तो मैं आपको कहूँगा कि अब ज़रूर जाइए, ज़रूर देखिए, हमारे एक ऐसी विरासत है जिसको हमें देखना ही चाहिए, जिसको हमें प्रमोट करना ही चाहिए। और किसी भी प्रकार का प्लीज़ वहाँ जाए तो आप नुकसान ना करें, कोई तोड़ फोड़ ना करें, क्योंकि हमारे ऐसी विरासत जो है आज ख़त्म होने की कगार पे है। इनको हमें सेव करना चाहिए, जितना हो सके हमें इनका संरक्षण करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी हमारे जो पूर्वज थे उनको जो है फील कर सके, उनको महसूस कर सके। तो फ्रेंड्स, ये तो थे मेरे भानगढ़ के बारे में अनुभव। और ऐसे ही अनुभव अगर आप सुनना चाहते हैं मुझसे, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, जब भी हम कोई नया एपिसोड डालेंगे यहाँ पर, तो आपके साथ पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और शेयर तो करिएगा ही करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे आपसे ऐसे किसी एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।